सोच रही हूँ अपने बेडरूम में ऐसे वाले शीशे लगा लूँ और दिन भर अपने आप को निहारा करूँ। बेवकूफ सिद्ध करने पे तुला हुआ है, बट ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। ये पीछे देखो, जी हॉरर शो। हेलो गाइस, तो गेस क्या करना है, आप लोगों को पता चल ही रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप भी अपनी गाड़ी लेके आइए। मैं आ गई हूँ जॉलीवुड घूमने और किस ओकेशन पे आई हूँ, तो आज है मेरा बर्थडे और सबसे अच्छी बात ये है कि क्या आप लोगों को मेरा लुक जो है वो नवरात्रि एप्रोप्रिएट लग रहा है। तो जी हाँ, नवरात्रि चल रही है कि जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा बर्थडे हमेशा नवरात्रि में ही पड़ता है और मैंने कंप्लीट नवरात्रि एप्रोप्रिएट ज्वेलरी भी डाली हुई है। और अंदर अगर गरबा वगैरह हो रहा होगा, क्योंकि कुछ तो इन्होंने अलग किया है तो वो भी करेंगे। अरे मुझे बैठा के चलो, रुको, सॉन्ग बज रहे हैं अंदर नवरात्रि एप्रोप्रिएट, ठीक है, तो वो भी इंजॉय करेंगे। और हमें ऐसा लग रहा था कि वीकडेज है तो शायद कोई आए ही ना, बट फुल है, फुल पार्किंग फुल है तो अंदर भी फुल ही होगा। और हमने अभी अपने सामान गाड़ी में ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहले अंदर देखते हैं सामान ले जाना अलाउड है कि क्या है। सामान तो ऑफकोर्स अलाउड होगा ले जाना, बट हम आएंगे अगेन, जो भी उठाना होगा उठा के जाएंगे। तो यहाँ पे मिल रही है टिकट, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है तो। बैंड खुद ही लगाना है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जॉलीवुड है क्या, अगर इस आवाज़ ने स्ट्राइक नहीं दिया तो यही आवाज़ सुनने को मिलेगी, नहीं तो वॉइस ओवर होगा। तो जॉलीवुड क्या है कि फिल्म सिटी को इन्होंने रिन्यूएट किया है और उसका नाम इन्होंने जॉलीवुड रख दिया है। बहुत ही प्यारा है यार, अंदर से देख के ऐसे आँखें चौंधिया आ गई हैं। हाँ, He-Man है। He-Man, good. ऊपर वाले जानती है, मोटरसाइकिल से घूम रहा है। हाँ, वो Fast and Furious वाला है। Good. क्या वाले को? नीचे वाला Fast and Furious है। Good, good. सही जवाब। ऊपर वाला जो है, काला लाल? वो Spider-Man है। मोटे को, उस मोटे को जानती? कुंफू पांडा, कुंफू पांडा। सब जानती हूँ सब, ये मुझे बेवकूफ बना बना बेवकूफ सिद्ध करने पे तुला हुआ है, बट ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। यार मैंने सारी मूवीज देखी हुई है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यार, ये वाली नहीं देखी है मैंने। एनीवेज बहुत प्यारा बनाया है यार इन्होंने, बाहुबली सब कुछ बना दिया। और आगे देखो कितनी प्यारी प्यारी एक्ट्रेस। आपको दिख रहा होगा कोई अंदर कुछ पागल हो गया है पूरी तरह से, यहाँ से आगे जाने का कोई नाम ही नहीं लेता, मतलब बस अटके हुए हैं। देखो गाइस, सारे खान रख लिए हैं इन लोगों ने, लेकिन भूल गए तो मेरे एक अक्षय कुमार को, क्यों भूले ये लोग अक्षय कुमार को। वैसे ये पीछे मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर भी है, स्मार्ट बंदा था वैसे। एनीवेज चलते हैं अंदर, बहुत हो गई बाहर की शूटिंग, मजे आ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा पीछे हो जाओ तुम, खींचो ताकत से, और खींचो और खींचो, ये लो। गैस, आपको एक बात का डिस्क्लेमर दे दें कि आपकी जो होस्ट है ना वो पागल हो चुकी है। ए छुओ मत, टूट टाट गया, पैसे नहीं दे पाओगी। अरे नहीं, टूट हो गया। और थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, मैं गिर जाऊंगी थोड़ी और के चक्कर में। दादी अम्मा, थोड़ा सा सूप मिलेगा पीने को, खराब हो रही है, ठंड लग गई है। बताओ मैं आप लोगों को, तो मुझे गांव पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब ऐसा रंगीला वाला गांव। गाँव गई थी, नानी के यहाँ गई थी ना, तो झज्जर वाला गांव नहीं, ऐसा रंगीले टाइप का जो गांव होता है, आई गेस राजस्थान में वैसे गांव होते हैं।
ओके आई एम एग्जिटिंग। हम मुश्किल से 50 मीटर ही अंदर आए होंगे और यहाँ पे 2 घंटे बीत चुके हैं। बहुत ही प्यारा बनाया इन लोगों ने। पहले पूरी अलग अलग थीम्स के वो हैं, हर जगह कुछ ना कुछ है, हर जगह मतलब कोई भी जगह आप मिस नहीं कर सकते, हर जगह कुछ ना कुछ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा एक गार्डन का पोर्शन है और गार्डन की पोर्शन के बाद है फूड रेस्टोरेंट्स। तो हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ क्योंकि भूख लग गई है, पहले कुछ खा लें। क्या बात है, एम्प्टी प्लेट दे देते हैं, जितना भरना है भर लो। ओके, तो यहाँ पे ये लोग प्लेट्स दे देते हैं, आपके कूपन पे जितना भी लिखा हुआ होगा उतनी प्लेट्स आपको दे देंगे। हमारे में 2 लिखा है तो 2 प्लेट्स इन्होंने हमें दे दी है। उसके बाद आपको फिलिंग अपने आप करनी है जा जाके, और कॉम्प्लीमेंट्री पानी भी दे रहे हैं। अच्छा वो मैं पानी उठा के नहीं लाई, वरना अमित का तो मन था मैं एक बैग लेके अपने साथ चलूँ। अब बताओ कोई बैग लेके इंजॉय कर सकता है क्या? क्या लाए हो वेज में, क्या क्या है? दाल, पनीर, गोभी, सैलेड और दुनिया भर के राइस पड़े हुए हैं, बाकी कुछ स्वीट भी है शायद। स्कूल की गैंग आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं स्कूल के पिकनिक मनाने के लिए, बच्चे आए हुए हैं और उनके लिए अलग रेस्टोरेंट बुक हैं, मतलब आप वहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते, ऐसा है। गैस भूतनी लटक गई, फंस गई अपने ही जाल में। तो गैस यहाँ का बुफे करने के बाद, मतलब जो भी खाना था लंच पहले फ्री हुआ करता था, पेड हो गया है और 350 रुपये पर एडल्ट, बच्चों का 300 रुपये यही रेट है। और खाना टेस्ट में ठीक था लेकिन ऑप्शंस बहुत कम थे। वेज के लिए तो 2-3 ऑप्शन, नॉन वेज के थोड़े ज़्यादा ऑप्शन थे और डेजर्ट में पाइसम था जो कि हमें पसंद नहीं आया। बाकी पेट भर गया, मतलब पेट तो यहाँ तक भर गया है, अब आ रही है नींद। और इसको बाहर निकलते ही अपना घर दिख गया पुराना वाला, तो ये आ गई उधर झांकने। आप लोगों को लाइफ में कभी मौका मिला तो मेरा फैजाबाद वाला घर जरूर दिखाऊंगी। कैफेटेरिया से निकलने के बाद आगे हम थोड़ा बढ़े और हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, एक है टाइटैनिक एक्सपीरियंस, दूसरा है द लास्ट वर्ड। सब कांपते हुए आ रहे हैं पानी में नहा के। तो पीछे है लॉस्ट वर्ल्ड। ओके, जो भी है अभी हम लोग जा रहे हैं उसी में, लॉस्ट वर्ल्ड में। और मैं भी एक फ़ोटो खिंचाऊंगी द लॉस्ट वर्ल्ड में, चलो पहले फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ये है हमारे इंजन कंपनी का जो इंटीरियर वर्कशॉप है, मतलब उसी का एक रेप्लिका बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स हैं, काफ़ी अच्छा है, सीरियसली ये बहुत ही बेहतरीन है। खा जाओ इसको, खा जाओ।
गाइस हम लोग घूम लिए द लॉस्ट वर्ल्ड। अच्छा था, बच्चों के लिए अच्छा है बेसिकली ये, पर हम भी तो बच्चे ही हैं ना यार, और क्या, अभी तक अपना बर्थडे मना रहे हैं तो बच्चे ही तो हुए। एनीवेज अब चलते हैं, सोच रहे हैं थोड़ी स्विमिंग विमिंग की जाए, वाटर पार्क भी है यहाँ पे। वैसे मैं ड्रेस भी लाई हूँ स्विमिंग वाली, मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लाई हूँ अपने साथ, देखते हैं अगर। वाओ क्या सही राइड्स हैं यार। ओ मैंने एक्चुअली ना पता है एक भी ब्लॉग या वीडियो चेक नहीं किया था कि क्या क्या है अंदर, पर इतना समझ में आ गया था कि कोई थीम पार्क है और बहुत ही अच्छा है। सो गाइस यहाँ है लॉकर रूम, और लॉकर के जो चार्जेस हैं वो 200 है, बाद में 100 रुपये बोल रहे हैं वापस हो जाएगा। और पीछे वैसे टी शर्ट्स वगैरह खरीदी जा सकती है, जो भी आपकी स्विमिंग सामान है सब यहाँ पर मिल रहा है, खरीदा जा सकता है। तो बेसिकली 200 रुपये लेते हैं, जिसमें से 100 रुपये बाद में वापस कर देंगे जैसे ही हम इनको लॉकर की वापस करेंगे, तो ठीक है, वर्थ है बेसिकली। अब चलते हैं, आज पहली बार मैं वाटर पार्क में पानी में जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी कॉस्ट्यूम लाई हूँ, अदरवाइज मैं जाती नहीं थी, कभी भी नहीं गई। और गैस इसको बड़ा मनाने के बाद ये वाटर पार्क में जा रही है क्योंकि इसको अपना स्विमिंग पूल चाहिए था। हमने पहली बार मनाया कि स्विमिंग पूल अपना नहीं होता, वो कॉमन होता है, कपड़े अपने लिए। गाइस अब हम आ गए हैं वाटर पार्क अटायर में, मतलब कि अभी पानी में जाने की तैयारी हो गई है। मैं जो टी शर्ट और एक शॉर्ट डाल लिया नालों नाला, और एक ये पाउच ले लिया, इसमें फ़ोन डाल के हम फोटो वगैरह खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। बाकी शाम हो रही है, पानी ठंडा हो गया होगा, और जो बच्चे वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं ना, सब ठिठुर रहे हैं, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन एनीवेज इतना दूर आए हैं, इतना पैसा खर्चा किया है तो वसूलना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर जाते हैं, देखते हैं। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. इनको चाहिए कोने में isolated personal beach. इसको ढूंढते-ढूंढते हम 1 किलोमीटर आगे बढ़के आ गए हैं. अब पहुंच गए हैं हवाई. तो हमें हवाई में थोड़ा सा बीच का दर्शन हुआ है और हम डुबकी लगा लेते हैं. Shop so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Horrible experience था मेरा इस water park के washroom का, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ लॉकर में अंदर लॉकर दिए हुए हैं, बाकी कुछ शावर एरिया है बट वो ओपन शावर एरिया है, और ओपन है मतलब चेंज करने का भी, आप ओपन में लॉकर के बाहर खड़े होकर चेंज कर लो। गर्ल्स का भी मीन्स लेडीज़ का भी, बस एक रूम बना हुआ है जो कि लेडीज़ का अलग है, अंदर सारे लेडीज़ के लॉकर हैं। नॉट लाइक कि लेडीज़ अलग अलग कुछ पार्टीशन टाइप का हो जिसमें जाके चेंज वगैरह कर पाएँ। तो मेरा तो खैर हॉरिबल एक्सपीरियंस था, मैं फर्स्ट टाइम वाटर पार्क में गई हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, तो हो सकता है सब जगह ऐसा ही होता हो, बट जो भी था ऐसा ही होता है तो आइंदा से नहीं जाऊँगी भैया। बड़ा ही गंदा गंदा था अंदर, बहुत ही गंदा था सीरियसली। बच्चों वाली राइड कर रहे हैं हम लोग, के दीप्ति को बड़ा मजा आया, बहुत ही मजा आया, इतनी खुश है कि एक बार और करने नहीं, की नहीं 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 बेबी मुझे बिल्कुल मजा
मजा नहीं आता इन सब राइड्स में, मैं आंखें बंद कर दूंगी। भले मैं आंखें बंद करके करूं लेकिन करूंगी। चलो रिकॉर्डिंग नहीं करोगी? नहीं रिकॉर्डिंग तो सच में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़नी पड़ती है। रिकॉर्डिंग इतनी दिलेर नहीं हूं मैं। तो गाइस अब ये डिसाइड हुआ था कि हम दोनों अलग अलग जाएंगे, फिर डिसाइड हुआ कि हम दोनों साथ में जाएंगे, फिर डिसाइड हुआ कि एक यहाँ रहेगा एक वहाँ जाएगा वीडियो बनाएगा, फिर दूसरा वहाँ जाएगा वीडियो बनाएगा। अब डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं हम पहले वाला ही करेंगे जिसमें हम दोनों एक साथ जाएंगे, ये चलाएगी मैं बैठूंगा। कहाँ इन्होंने गाड़ी भेड़ी वो भी दीवार में, मतलब इतनी सारी कटा के निकाल ली, लेकिन आओ निकलो। पड़ेगा तुम्हें, बहुत हम लोग लाइन में लगे जिप लाइनिंग के लिए, मतलब एक से एक वीर जा रहे हैं। अभी देखना वहाँ पे जाके भोपू बजेंगे। अभी देखो वो डर के जा रही है, देखो अरे जा यार ये अजीब पागलपन है। मैं साइकिल चलाने जा रहा था। ओम नमः शिवाय। तो गाइस फाइनली राइड्स खत्म हुई। इस बंदे की वजह से ना सिर्फ राइड ही करते रह गए हैं हम, और कुछ किया ही नहीं। इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनानी थी, फोटोज खींच ली थी मुझे, लेकिन इस बंदे को सिर्फ राइड करनी है और मुझे तो करनी नहीं होती है राइड, आपको पता ही है। सो अब राइड्स एंड ऑल सब क्लोज हो चुका है और मुश्किल से अब आधा घंटा बचा हुआ है, आई गेस सात हो गए होंगे। तो बाहर जाना है, इस बंदे ने कुछ नहीं देखने दिया। इतनी सारी थीम्स आगे की तरफ लगी हुई हैं, कुछ भी नहीं देखने दिया इसको, सिर्फ थीम ये राइड्स करनी थी। राइड्स करनी थी तो राइड्स वाले पार्क में जाए ना, यहाँ क्यों आ रहा है थीम पार्क में। वो सीन मेरे पीछे दिख रहा है, वहाँ तक लाइट है, उसके पीछे का पूरा एरिया एकदम वीरान हो गया है और जो फ्रंट एरिया है वो गुलजार है। यहाँ पे शायद कोई डांस परफॉर्मेंस होती है, तो अभी स्टार्ट होने वाली है। हम चल रहे हैं उधर की तरफ, लेकिन अभी हम इधर ही अटके हुए हैं, कुछ यहाँ पे फोटो वोटो खींची जा रही है, तो उधर भी जाना है। लेकिन एक्चुअली एक चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि इन्होंने 7:30 का टाइम दे रखा, लेकिन 6:30 ऑलमोस्ट सारी राइड्स बंद कर दी, कुछ यहाँ पे जो थीम्स थी वो भी बंद कर दी, तो हम काफ़ी सारे कुछ हमारा मिस हो गया। मतलब इतना बड़ा है कि एक दिन में तो सारा कुछ कवर कर नहीं सकते हो। कितना प्यारा मौसम है यहाँ, शाम का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये शाम का। तो यहाँ पे कंप्लीट जो मॉर्निंग में एरिया था वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा ये यूरोपियन थीम पे बनाया हुआ है बैठने का, लोग बैठे हैं। चाय क्या भैया? भैया टी है? नहीं है सर, खत्म हो गया। क्या है? खत्म हो गया टी। Thank you.
गए थे यहाँ पे, इन लोगों ने ये थीम टाइप पे कुछ लगाया हुआ है, आई गेस खरीदने के लिए रखा है सब कुछ, खरीदने के लिए है ना, खरीदने के लिए ही है शोरूम है। वी कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम हियर, दीज ऑल्सो, मतलब मैं पूछ रही हूँ ये सब बाय कर सकते हैं क्या, तो बोल रही नहीं नहीं ये सब नहीं कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पीछे अभी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था और मैंने इनसे बात करी है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आप लोग कैसे पहले से बताना पड़ता है क्या करते हो आप लोग, तो इन्होंने बोला कि आप अपना केक ला सकते हो या फिर आप हमें इन्फॉर्म करो, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे केक के, देन फिर यहाँ पे ये जो डमीज खड़े हैं, डमीज बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपका एक बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। हमें पता नहीं थी ये बात, फिलहाल आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इवनिंग में ये यहाँ पे बिल्कुल ग्रैंड आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे अगर आप लोग केक ले आते हैं या इनको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, तो ये लोग भी केक ला सकते हैं, बट इन्फॉर्म पहले से करना पड़ेगा, मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा जब आप आते हो। अभी एक फाउंटेन शो शुरू होने वाला है, एक हुआ है अभी, उसके बाद एक और है 10 मिनट का, तो हमें बोला गया कि आप लोग जाके बैठ सकते हो। जॉलीवुड के और अभी बज रहे हैं अराउंड 7:15। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे जरूर दूंगी कि अगर आप लोगों को जॉलीवुड के लिए आना है तो मॉर्निंग में 11:00 पे ओपन होता है, तभी आ जाओ, हम लोग बहुत लेट आए हैं, 1:00 पे पहुंचे थे, ड्यू टू मी, मैं मान रही हूँ मेरी बात, बट क्योंकि मेरा बर्थडे है तो फिर इतना तो चलता है मेरे लिए। ओके तो 11:00 पे इसलिए आ जाओ क्योंकि अगर आपको सारी राइड्स, सारी थीम्स, पिक्स, रील्स बहुत सारी बनानी है ना, तो आपको जल्दी तो आना ही पड़ेगा। अभी वैसे मोस्ट ऑफ द लोग निकल गए हैं, बच्चे वाले मैं देख रही थी इवनिंग में ही निकल रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करना, थोड़ा सा टफ है। और चलिए फिर चलते हैं अब घर की तरफ, रास्ते में कुछ हुआ तो खाएंगे पियेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। यही था मेरा वेल स्पेंट बर्थडे।